अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण सो हमने लगभग 27 श्लोकास कवर कर लिए फर्स्ट चैप्टर के तो आई एम श्योर सबको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है क्या चल रहा है भगवद्गीता में क्योंकि ये बुक देना क्योंकि पहले कई बार ये कंप्लेंट्स आती थी कि प्रभु जी पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट चैप्टर को मेनली हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था और जिसमें से हम 4 सेक्शंस कर चुके हैं है कि नहीं यू आर डूइंग लाइव और रिकॉर्डिंग सो हमने 4 सेक्शंस कर लिए थे एक सेकेंड यस लेट अस रिवाइज व्हाट एवर वी हैव डन और आज हम 5th सेक्शन खत्म करेंगे तो इसी प्रकार से हम भगवद गीता के हर चैप्टर को विजिबिलिटी है ठीक नहीं है इसी प्रकार से हम भगवद गीता के हर चैप्टर को ओके गिव मी 1 मिनट अभी विजिबिलिटी है इसी प्रकार से हम भगवद गीता के हर चैप्टर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे तो यदि हम भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 देखें इज इट विजिबल नाउ स्टिल नॉट विजिबल देन रिकॉर्ड इट ऑनलाइन है व्यूअर्स अभी कितने हैं और थोड़ा पास ला के देख लो एक बार किसी को पता है कुछ इसकी सेटिंग्स हो जिससे ठीक हो जाए दिख रहा है इस बोर्ड दिख रहा है ओके भगवद गीता के चैप्टर का जो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट सेक्शन था इज इट विजिबल प्रभु इज इट विजिबल ओके सो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट सेक्शन था दैट वाज 1.1 1.1 वाज फॉर 10 मिनट्स वी जस्ट रिवाइज एवरीथिंग 1.1 में क्या था धृतराष्ट्रस इंक्वायरी फ्रॉम संजय
What did they do? Mamaka, Pandavas, Chaiva, my sons and Pandu's sons, when they gathered in the battlefield, उन लोगों ने क्या किया? किम अकुर्वत संजया, क्या किया? तो ये धृतराष्ट्र की जो इंक्वायरी थी, ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी, हम कई बार बता चुके हैं। ये धृतराष्ट्र के चार पॉइंट्स दर्शाता है। पहली चीज क्या है, धृतराष्ट्र क्या था? ना ना ना, फर्स्ट पॉइंट वाज समथिंग डिफरेंट। क्या था? फियरफुल। किस चीज को लेके फियरफुल था? किस चीज को लेके फियरफुल था धृतराष्ट्र? माई सन्स शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, कहीं मेरे बेटे कॉम्प्रोमाइज ना कर लें सामने कृष्ण को देखकर। दूसरा, किस चीज को लेकर होपफुल थे? जो पांडवाज है वो धर्म क्षेत्र बोलते हैं ना, वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र सोचकर, क्योंकि वहां बहुत ऋषि मुनियों ने क्या करा है, तपस्याएं करी है, तो वो पांडवाज उसको धर्म क्षेत्र सोचकर शायद स्टेप बैक कर लें, ब्लडशेड रोक दें। तीसरा क्या दर्शाता है? ही वॉज फियरफुल, मेरे बेटे ना पीछे हट जाए। ही वॉज होपफुल, पांडवाज शायद पीछे हट जाए। तीसरा, ही वॉज डाउटफुल अबाउट वॉट? ही वॉज डाउटफुल दैट कौरवा पांडवाज विल विन, और ही वॉज डाउटफुल अबाउट कौरवाज विक्ट्री। है ना? और चौथा ये क्या दर्शाता है? ही वॉज डिजायरस, बेटे मरते हो तो मरे, 100 हैं 10 मर भी जाएंगे तो क्या हो गया? डिजायरस, डिजायरस मतलब डिजायरस अबाउट वॉट? टू गेट द किंगडम। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड सेक्शन जो था हमारा चैप्टर वन का, वो कौन से श्लोका से कौन से श्लोका तक था? 1.2 से लेके, इसमें दुर्योधन डिस्क्राइब करता है आर्मी को। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टू द्रोणाचार्य, अपने गुरु को, और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं उस पर। सारा वो डिस्क्रिप्शन दोबारा नहीं डिस्कस कर सकते। उसमें ये दर्शाया गया कि दुर्योधन कितना कनिंग था, कितना डिप्लोमैटिक था अपनी बातों में। उसने कोई, ही डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू इंसल्ट द्रोणाचार्य, हिज ओन गुरु। अपने गुरु को हर हालत में हर तरीके से उन्होंने इंसल्ट किया उस समय। और इसमें दुर्योधन ने यह बोला था कि हमारी जो आर्मी है वो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी आर्मी तो, हमारी आर्मी को तो भीष्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी आर्मी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? भीम अभिरक्षितम, आई थिंक दिस वॉज दो लिमिटेड रक्षा भीम दे रहे उनके आर्मी को। तो कृष्ण का कहीं डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया दुर्योधन ने। फिर आया अगला सेक्शन, दैट वाज 1.12 टू 1. ये किस पे बेस्ड था? ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च शेल्स। मोबाइल फोन्स प्लीज साइलेंट कर लीजिए। ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च शेल्स, शंखनाद शुरू हुआ। इधर से भीष्म के शंख का डिस्क्रिप्शन है, और इधर से पांचों पांडवों का और कृष्ण के शंख का डिस्क्रिप्शन है। अभी तक कृष्ण के क्या क्या नाम आए हैं मुझे बताइए। वन पॉइंट क्या क्या और भी एक दो टेबल्स बनवाए थे मैंने चैप्टर वन में, क्या बनवाए थे? सेकंड टेबल किस चीज पे बेस्ड था? नेम्स ऑफ कृष्णा यूज्ड इन चैप्टर वन, तो बता सकते हैं मेरे को?
नेम्स ऑफ कृष्णा यूज्ड इन चैप्टर 1 में, अभी तक 1.19 तक क्या क्या नाम यूज हुआ है, नेम, श्लोका नंबर और रीजन, तीनों बताए थे, बताइए सबसे पहला क्या नाम यूज हुआ माधव, कौन से श्लोक में, 1.14 में, और इसका रीजन क्या है, ही इज लक्ष्मीपति। तो क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ऑन द चैरियट हु ऑल आर अवेलेबल, राम इज नन अदर देन कृष्णा, देन लक्ष्मीपति ही इज, सो डेफिनेटली सीता इज ऑल्सो देयर ऑन दैट रथ, एंड द इटर्नल सर्विटर हनुमान इज ऑल्सो देयर, हाउ कैन देयर बी डिफीट। फिर सेकेंड नाम क्या यूज हुआ, ऋषिकेश, ये कौन से श्लोक में, 1 point, क्या मतलब है ऋषिकेश का, डायरेक्टर ऑफ अ डिवोटी, हर एक के सेंसेस को भगवान नहीं डायरेक्ट करते हैं, पर भक्तों के सेंसेस को भगवान डायरेक्ट करते हैं, और फिलहाल वो बैठे हैं किसके सेंसेस को डायरेक्ट करने के लिए, अर्जुन के सेंसेस को डायरेक्ट करने के लिए, आप लोगों को भी क्लियर नजर आ रहा है सबको। तीसरा नाम यूज हुआ भगवान का अच्युत, ये कौन से श्लोक में, तो अभी हम ये वाला सेक्शन देखते हैं, पहले क्या था, ये सेक्शन था 1.12 टू 1.19 के, तो ये वाले श्लोक थे, ये नाम यूज हुए थे माधव और ऋषिकेश। तो ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च शेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, जो कि 1.19 में थी, वो क्या था, शैटरिंग, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखवाए थे, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखवाए थे एक बार देखना उसमें, मैंने ये कौन से श्लोक में था, और एक और बात थी, देयर वाज शैटरिंग ऑफ द हार्ट्स ऑफ द कौरवास, ये भी तो 1.19 का ट्रांसलेशन था। तो 1.19 के ट्रांसलेशन में ये था कि जो कौरव है, जब शंख बजे थे 5 पांडवों के और कृष्ण का, there was shattering of the hearts of Kauravas, but there was when जब भीष्म ने शंख बजाया था, तो इस प्रकार से पांडव कभी नहीं डरे थे, कोई शैटरिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं। तो 1.19 में मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वन हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, has nothing to fear even in the midst of greatest calamity. आगे चलते हैं, ये सेक्शन भी हमने कर लिया था 1.20 से लेके 1.27। इस सेक्शन में क्या डिस्कशन थी, इस सेक्शन में क्या लिखवाया था कुछ मैंने, 1.20 से 1.27 में क्या लिखवाया हुआ, इसमें जस्ट अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन की ऑब्जर्वेशन से आर्मी को लेकर, और अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं, अबाउट टू शूट द एरो और रुक जाते हैं, और भगवान को क्या कहते हैं कि ये जो रथ है ये दोनों आर्मीज के बीच में ले चलो, एंड फिर अब फर्दर हम आज करेंगे। और उसी में 1.21 में भगवान का एक नाम यूज होता है अच्युत, अच्युत 1.21 में यूज होता है, जिसमें क्या बताया गया भगवान को अच्युत क्यों कहा गया है, ही नेवर फेल्स, जैसा अर्जुन बोलते भगवान वैसा कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस affection for his devotees, he never fails to express his affection for his devotees, ye achyuta ka।
आज हम आखिरी सेक्शन करते हैं 1.28। कितने लोगों ने 1.27 तक पूरा पढ़ लिया? रेज योर हैंड्स। होमवर्क कितने लोगों ने कंप्लीट किया है 1.27 तक? पूरा अच्छे से पर्पट वगैरह एवरीथिंग वेल रेड? 1.1 से 1.27 उससे पहले नहीं, आई एम आस्किंग ओवरऑल 1.27 तक कर चुके हो एक बार, चाहे पिछले हफ्तों में एक बार रीड कर चुके हो ना, तो हाइलाइट्स वगैरह करें पर्पट में, क्या क्या हाईलाइट क्या करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है, फिर उनको दोबारा कभी टाइम मिले तो देखा करो। देन 1.28 से 1.46 का जो सेक्शन है, इसमें अर्जुन चार रीजंस देते हैं। इसमें अर्जुन चार रीजंस देते हैं टू नॉट टू फाइट। अब अर्जुन को धीरे धीरे इल्यूजन आना शुरू होता है और अर्जुन इसमें चार रीजंस देते हैं कुल मिलाकर कि व्हाई आई डोंट वांट टू फाइट दिस वॉर, आई विल नॉट फाइट दिस वॉर। इज इट ऑल राइट? फोर रीजंस टू। और कोई टेबल बनवाया था मैंने? बस अभी यही बनवाया चैप्टर वन में। ओके तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं 1.20 से 1.28 से 1.46। एक मिनट देख लीजिए मैं कैसा बना रहा हूं, बिल्कुल वैसा बना लीजिएगा चाहे आप। फोर रीजंस ऑफ नॉट फाइटिंग द वॉर, चार कारण देते हैं अर्जुन कि क्यों वॉर नहीं लड़ना। पहला कारण, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार रीजंस देते हैं अर्जुन कि वॉर क्यों नहीं लड़ना। तो सबसे पहला रीजन जो देते हैं अर्जुन वो है 1.28 से लेके 1.30 तक। ये पूरा सेक्शन कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है? 1.28 से 1.46 तक। और इसमें वो सबसे पहला रीजन देते हैं कंपैशन। युद्ध क्यों नहीं लड़ना? कंपैशन किसके लिए? फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कंपैशन। बट दिस इज विच कंपैशन? कंपैशन एट द लेवल ऑफ सोल और कंपैशन एट द लेवल ऑफ बॉडी? भगवान इसको डिफीट करेंगे अगले चैप्टर में। बॉडीली कंपैशन, बॉडी के लेवल पे कंपैशन। एक्चुअली में कंपैशन किसकी तरफ होना चाहिए? टुवर्ड्स द ड्राउनिंग सोल, आत्मा की तरफ कंपैशन होना चाहिए। किसी व्यक्ति को देखें, कोई गरीब है, हमें कंपैशन होता है, होता है या नहीं होता? कंपैशनेट हार्ट, कंपैशन दया की भावना आती है। बट एक्चुअली में रियल दया किसी के प्रति क्या है? कोई अभी गरीब है, ये दया हम उस पर करें, या कोई जन्म मृत्यु में पड़ा रहेगा, कौन सा ज्यादा? अगर उसको अभी हमने निकालने का प्रयास किया तो आगे तो फिर उसका ये स्थिति नहीं होगा, वो भगवान के धाम को वापस जाएगा। या भक्तों के बीच में उसका जन्म होगा, या किसी रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उसका जन्म होगा, जहां पर कि उसको भक्ति करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो किसी भी ड्राउनिंग सोल के प्रति रियल कंपैशन क्या है? रियल कंपैशन है जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसने कपड़े पहने हुए, ठीक है, सोच के थोड़ा सा सीन सोच के देखिए कितना फनी लगेगा। कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में, उसने कुछ कपड़े पहने हुए, आप क्या करना शुरू कर देते हैं? वो डूब रहा है, उसके कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े उतार लो, उसके कपड़े बच जाए, उसके कपड़े उतार लो, उसके कपड़े बच, बंदा मर जाए चलेगा। एक्चुअली द बॉडी इज सिमिलरली लाइक ड्रेस। कभी सोचो तो कितनी परफेक्ट मशीनरी, कितनी परफेक्ट मशीनरी है बॉडी।
लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, स्टमक अपना काम कर रहा है। कितना परफेक्ट मशीन है, पूरी फैक्ट्री लगा के दिए भगवान ने हमारे अंदर, दिए या नहीं दिए, फैक्ट्री लगा कर दिए। और फैक्ट्री भी किस चीज़ की बनी हुई है, ये मिट्टी की, और बताओ, अर्थ वाटर पानी की, और एयर फायर इथर, पांच चीज़ों की फैक्ट्री लगा कर दिए भगवान ने, उनसे बना मिला मिला के बनाकर हमें दे दिए। एक मशीनरी चल रही है प्रभु, मशीनरी तो कभी भी बंद हो जाती है, कोई फैक्ट्री में भी मशीन लगा तो बंद होएगा कि नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा। दिस इज मशीन, इट्स ओनली डिफरेंस इज इट्स अ मशीन विद इमोशंस एंड डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट्स इट, इट्स अ मशीन। वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद मशीन्स। The real living being is the soul, for which we don't care. That is the problem. We care only for the machine parts. कुछ समय मेरे कुछ health issues चल रहे थे कुछ साल पहले। I had fatty liver grade 2. तो से मैंने पूछा, क्लाइंट थे मेरे, तो वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पीजीआई में एचओडी थे, फॉर ने व्हाट यू कॉल इट, जो जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तो उसके वो एचओडी थे, मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह हम लोग करते। तो मैं पूछा, मैं थोड़ा सा उस टाइम मुझे लगा कि क्या गड़बड़ हो गई एकदम से, मतलब I should have cared for the body, but ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक करो, थोड़ा रनिंग वगैरह करो तो इट विल गो अवे। तो मैंने उनको डॉक्टर को पूछा, वो मेरे क्लाइंट थे, मैं कहा डॉक्टर साहब इसका क्या रिपरकशंस होता है कि अगर ये मतलब लिवर में, कहते कुछ नहीं होता है, हम तो पोस्टमार्टम करते रहते हैं, जिस दिन फेल हो जाए उस दिन बता देना, हम आपको लीवर दे देंगे, आपको लीवर की दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसप्लांट कर देंगे, है ना। तो क्या एक मशीन के पार्ट की तरह, मेरे का भैया तुम्हें वो कह रहे, हम तो कह रहे पीजीआई में लिवर मिलना मुश्किल है, पीजीआई में लिवर मिलना मुश्किल है, पर तुम्हें नहीं मुश्किल आएगी, हम कनेक्टेड है ना, मैं तो एचओडी हूं, तो तुम्हें तो लिवर की मुश्किल नहीं आएगी, तुम्हें लिवर में दिलवा दूंगा, चेंज कर देंगे। मेरा दिमाग घूम गया सुन के, मैंने कहा क्या चाहते हो। मैं दूसरे डॉक्टर को पूछा, कहते नहीं 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 इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ओके, ठीक हो जाएगा। दीज आर बॉडी पार्ट्स आर जस्ट डिफरेंट मशीन पार्ट्स। और एक अभी मशीन में तो क्या होता है, एक पार्ट खराब हो गया उसको चेंज कर दो चलेगा, कौन सा किसी को पेन हो रहा है। हमारे में अगर एक पार्ट खराब हो गया तो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन ऊपर से नीचे तक बिगड़ जाती है, और फिर ट्रांसप्लांट में बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। एक मेरी क्लाइंट थी, और मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स डॉक्टर्स, एक क्लाइंट थी एक आई सर्जन थी, तो हर समय पैसों को लेकर हाय तौबा, बिल्कुल पैसा 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 पैसा। तो एक दिन हम उनके ऑफिस से बाहर निकले, मतलब कुछ मीटिंग थी बाहर निकले, एकदम से तेज आंधी चलने लग गई, तो मैडम के हाथ में बहुत सारे नोट्स थे, बहुत सारे पैसे थे, मतलब ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे। तो आंधी चली, मैं अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, वो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, आंधी चली, एकदम से हाथ से सारे पैसे ऐसे उड़ के सड़क पे चारों तरफ फैल गए, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे। मैं कहा शांति रखो, मैं हेल्प कर दूँ। ढूंढ कर आए पैसे, ढूंढ डांट के 500 के नोट सारे इकट्ठे करे, फिर गिने। अब थैंकफुल होने की जगह कि चलो मोहित यू हेल्प मी, थैंकफुल होने की जगह तुमने ठीक से ढूंढे नहीं, दो नोट कम है। एक तो वह आंधी चल रही, बारिश हो रही, हालत मेरी खराब बिल्कुल, कि तुमने तो ठीक से ढूंढे नहीं। ऑल ऑफ अ सडन दिस लेडी वॉज जस्ट
मे बी 64-65 years, नॉट इवन 60, शी वॉज आई नो द ईयर ऑफ बर्थ, शी वॉज 62 born. 62 born मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2016, आई थिंक 2016 साल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो टू शी वॉज बॉर्न इन 62, तो 2016 में कितनी उम्र थी? 58, 55, 56. ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है दैट लंग फेलियर हो रहा है. स्टीरॉइड्स पे आ जाती है डॉक्टर. स्टीरॉइड्स एक ऑर्गन को तो सपोर्ट करता है, बाकी सारे ऑर्गन बिगाड़ने शुरू कर देता है. पता है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गन का जो स्टीरॉइड होता है उसको सपोर्ट करता है, बाकी ऑर्गन्स को साइड इफेक्ट देता है. सिचुएशन ये आ गई कि लंग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. दे वेंट टू चेन्नई. मेरा अभी 5 दिन ऑपरेशन है, मैं होश में नहीं होंगी. मेरी इनकम टैक्स रिटर्न संभाल लेना और टैक्स को कंट्रोल में रखना, ज्यादा ना भरना पड़ जाए. मैंने मन में सोचा जाएंगे बचेंगे कुछ पता नहीं है. देन व्हाट हैपेंड, द लंग ट्रांसप्लांट वॉज डन. दे वेंट टू समवेयर इन चेन्नई आई थिंक. लंग ट्रांसप्लांट वॉज डन, ऑपरेशन वॉज डन, शी नेवर वोक अप अगेन. एंड ऑफ द स्टोरी. देन एंड देयर, ऑपरेशन के बाद कभी जगी नहीं वो. सही सलामत गई थी ऑपरेशन करवाने के लिए, होश में थी, अच्छा खा पी रही थी, इनकम टैक्स रिटर्न का भी ध्यान रख रही थी. दिस इज आवर रियल स्टेटस, हमें समझना चाहिए. इट इज जस्ट अ मशीन जिसका कोई उल्टा, जो ये बाहर जो लोहे की मशीनें होती हैं ज्यादा ठीक होती हैं. एक आधा खराब हो गया, कुछ पार्ट तो ठीक कर दो, चल पड़ेगी. हमारा एक आधा पार्ट खराब हो गया ना तो चलना मुश्किल है. आर वी गेटिंग इट? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड इन व्हाट सर्कमस्टांस वी आर पुट इन? वी मे से कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय निकलेगा, फिर मैं और सीरियस हो जाऊंगा. और बट समय है किसके पास? प्रभुपाद जी ने तो ये बोला, लिव ईच मोमेंट एज इफ इट इज द लास्ट वन. ये बिल्कुल आखिरी है, जीना तो इस तरह चाहिए. जैसे मटेरियलिस्ट बोलते ना, ऐसा एंजॉय करो जैसे जीवन का ये आखिरी दिन है, इसके बाद कभी एंजॉय करने को मिलेगा नहीं. तो सच ही बोल रहे हैं, इसके बाद एंजॉय करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद अगले लाइफ में तो जानवर बनना पड़ेगा. एंजॉय करते करते तो सफरिंग्स आएंगी. प्रभुपाद जी ने बोला, सर्व कृष्णा इन अ वे as if this one is the last one. तो अर्जुन जो इस टाइम कंपैशन शो कर रहे हैं 28वें श्लोक से 30वें श्लोक के बीच में, वो कंपैशन किसके लिए है? बॉडी के लिए या सोल के लिए? बॉडी. और बॉडी में वो सोल रहेगी, दुर्योधन जैसे जिंदा रहेंगे. चलो ठीक है, आएगा आगे चल के परपट्स में प्रभुपाद जी. मान लो कि वो हट भी जाते युद्ध करने से पीछे अपने कंपैशन के चक्कर में, राजा कौन बनेगा फिर? दुर्योधन. वो तो और पाप करेगा. क्या प्रजा कभी खुश रह पाएगी? कभी नहीं खुश रह पाएगी. तो उसका रिएक्शन भी किसको मिलेगा फिर? पांडवों को मिलेगा. दुर्योधन को तो मिलेगा, सो मिलेगा रिएक्शन. पर पांडव तो दुर्योधन को थ्रोन से हटा सकते थे, तो उनको भी तो रिएक्शन मिलेगा अगर प्रजा तरसेगी तो. सो फ्रॉम दिस श्लोक, इन श्लोकों में, इन श्लोकों को भगवान आगे रिफ्यूट करेंगे सेकेंड चैप्टर में. भगवान जहां बोलेंगे द रियल कंपैशन इज द कंपैशन फॉर द बॉडी और द सोल, द रियल कंपैशन इज फॉर द ड्राउनिंग सोल. किसी की आत्मा के प्रति दया रखना, वो सबसे बड़ी दया. प्रभु जी किसी की आत्मा, हम तो अपनी आत्मा के प्रति दया रख के राजी नहीं है. हम किसी की आत्मा के प्रति क्या दया रखें? जन्म सार्थक करी करो परोपकार. टेक केयर ऑफ योर सोल, then you will be able to take care of the souls of other people. So compassion for friends and relatives, ye pehla reason tha. Aiye 28वां shlok padhte hain.
अर्जुन उवाच दृष्टवे मां स्वजनं कृष्ण। क्या मतलब है? मैं एक एक लाइन का मतलब बताते रहूंगा, सब नजर आ रहा है उस पर। दृष्ट वेनाम स्वजनम कृष्णा, व्हाट डज दिस मीन? ओ कृष्णा, दृष्ट वेनाम, सीइंग स्वजनम माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओ कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये समझ आता है? दृष्ट वेनाम स्वजनम कृष्ण, स्वजनम जो मेरे साथ जन्मे हुए, माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, स्वजनम कृष्ण। युयत्सम समुपस्थितम दृष्टवेनाम स्वजनम कृष्ण। ओ कृष्ण, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, युयत्सम समुपस्थितम, प्रेजेंट बिफोर मी, युयत्सम प्रेजेंट बिफोर मी, युयत्सम उत्सुक होकर, युयत्सम समुपस्थितम प्रेजेंट बिफोर मी इन अ फाइटिंग स्पिरिट। दृष्टवेनाम स्वजनम कृष्ण, युत्सम समुपस्थितम, समझ आते हैं दो लाइनों का? सिद्धन्ति मम गत्राणि, द लिम्स ऑफ माय बॉडी आर क्विवरिंग। सिद्धन्ति मम गत्राणि, मेरे बॉडी के जो लिम्स है वो क्विवर कर रहे हैं। दृष्टवेनाम स्वजनम कृष्ण समुपस्थित, युयुत्सम समुपस्थितम। ओ कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सीइंग माय स्वजनम, युयुत्सम समुपस्थितम, प्रेजेंट बिफोर मी इन अ फाइटिंग स्पिरिट। सिद्धन्ति मम गत्राणि, माय लिम्स ऑफ माय बॉडी आर, सिद्धन्ति मम माय, सिद्धन्ति मींस लिम्स, माय लिम्स आर, मम गत्राणि इट्स क्विवरिंग। मुखम च परिशुष्यति, माय माउथ इज ड्राइंग अप, मुखम च परिशुष्यति। ओ डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी आर क्विवरिंग एंड माय माउथ इज ड्राइंग अप। प्रभुपाद जी इस पर्पट में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम रीड करेंगे। ये नजर आ रहा है क्लियर इसमें? एनी मैन हु हैज जेन्युइन डिवोशन टू लॉर्ड हैज ऑल द गुड क्वालिटीज विच आर फाउंड इन गॉडली पर्सन्स और इन द डेमिगॉड्स, वेयर एज द नॉन डिवोटीज हाउएवर एडवांस्ड ही मे बी इन मटीरियल क्वालिफिकेशंस बाय एजुकेशन एंड कल्चर lacks in godly qualities। ये अर्जुन की godly qualities थे, although ये compassion था किसकी तरफ, body की तरफ, पर है तो godly quality ना। इतना कुछ हो गया, wife का चीरहरण हुआ, भीम को समुद्र में फेंका गया जहर देकर, वारणाव्रत का incident हुआ, आग लगा दिया गया, द्रौपदी का चीरहरण भी किया, द्रौपदी को kidnap करने का भी कोशिश किया, एक साल तक अज्ञातवास में अर्जुन को हिजड़ा बन के रहना पड़ा, ब्रिंडला पता है ना, लेडी के फॉर्म में रहना पड़ा। क्या कर रहे थे ये लोग? वो मंत्री था, युधिष्ठिर महाराज मंत्री बने थे, और मंत्री कंक, देन दिस भीम वी बिकम हलवाइया, द कुक इन द रॉयल किचन, देन हु एल्स, नकुल वाज टेकिंग केयर ऑफ द हॉर्सेस, and Sahadev was taking care of the cows, and Draupadi became Sarinendri, the assistant to the, assistant to whom? To the queen. And how painful it is for a lady to see the husband becoming a eunuch. How painful it is for the, and they have undergone such severe pains. हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो what will we do? हम कहेंगे इसको तो गार्ड देना है। But he see the godly qualities of Arjun, such a forgiveness. Drishtvenam swajanam Krishna, yutsam samupasthitam, siddhanti mamagatrani, mukham cha parishishyati. Mera abhi bhi mukh sukh raha hai Bhagwan, inko dekhkar. Main kaise maru inko? So this is Bhagavatam, fifth canto,
18th chapter, 12th verse. What does it say? One who has unflinching devotion for personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by glaring material energy. Jis prakar se, jab barisho ke samay, ek jo keeda aata hai, wo lighton ki taraf attract hota hai, aur uski taraf attract hoke usi se marta hai. This is our situation. Sense gratification is that light. Aur hum usi se attract hote hai, aur usi se atak ke marte hai. Next shloka. Vepatuscha sharirame. Vepatuscha sharirame. My whole body is trembling. My whole body is trembling. Roma harshascha jayate. Roma harshascha jayate. So, Rome pe jo baal hai wo, they are standing at their ends. Rongte khade ho rahe. रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रमशते हस्तात अर्जुन के धनुष का नाम क्या था गांडीव उनके हाथ से फिसल रहा था वो अर्जुन एक क्षत्रिय के हाथ से धनुष का फिसलना उसका अपमान माना जाता है गांडीवम श्रमशते हस्तात त्वचैव परिधायते त्वचा माय स्किन इज बर्निंग अर्जुन इज डिस्क्राइबिंग दैट सी सो बैड इज डन टू अर्जुन स्टिल ही इज कंपैशनेट दिस इज अ डिवोटी यू शुड लर्न दिस क्वालिटी फॉरगिवनेस नाचा शक्नोमि अवस्थातुम आई कैन नॉट स्टैंड हियर एनी मोर नाचा शक्नोमि अवस्थातुम एट दिस प्लेस आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर भ्रमतीव च मे मनः आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ भ्रमतीव आई एम गेटिंग इन ब्रह्म And my mind is reeling. Me manaha. Brahmati vache me manaha. My mind is reeling. Mera dimag ghoom raha Bhagwan. Mujhe kuch samaj nahi aa raha. Nimittani cha pashyami. Nimittani cha pashyami. Viparitani keshava. Viparitani keshava. Nimittani cha pashyami. Viparitami misfortune. ओ कृष्णा आई कैन सी ओनली मिस फॉर्चून इन द एंड सिर्फ बदकिस्मती देख रहा हूं अब मैं केशवा दिस इज द नेम दैट इज यूज्ड व्हाट इज द रीजन लेट अस रीड द पर्पट ट्रांसलेशन आई एम नॉट एबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर आई एम फॉरगेटिंग myself एंड my mind इज reeling. I see only cause of misfortune, O Krishna, the killer of the Keshi demon. Purport. Due to his impatience, Arjun was unable to stay on the battlefield and he was forgetting himself on account of this weakness of mind. Excessive attachment to material things puts a man in such bewildering conditions of existence. This is a very important line. Kyun bewilder hote hain? Kyun insecurities aati hai life mein? एक ही कारण है एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटीरियल प्लेन टू मटीरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज टू मटीरियलिस्टिक पीपल जिनसे इनसे एक्सेसिव अटैचमेंट होगा तो क्या होगा इसका एंड रिजल्ट द एक्सेसिव अटैचमेंट टू मटीरियलिज्म इज द कॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज बिविल्डरिंग कंडीशन आ जाएगा The words, yahan se padhenge, the words nimittani viparitani are significant. When a man sees only frustration
in his expectation, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his welfare. No one is interested in the Supreme Self. ये कारण है विपरीतानी का. सब इंटरेस्टेड है अपने आप में सिर्फ. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu. Most important line of Bhagavad Gita. लिख सकते हैं. One's real self-interest lies in Vishnu. The conditioned soul forgets this and therefore suffers. Arjun thought that his victory in the battle would only be the cause of lamentation for him. Where does your and my and everyone's real self-interest lie? Where does it lie? Only in one place. In Vishnu. Antakale Narayana Smriti. This is the purpose of life. So one's real self-interest lies in Vishnu. One's real self-interest lies in Vishnu. Boliye, one's real self-interest lies in Vishnu. One's real self-interest lies in Vishnu. One's real self-interest lies in Vishnu. So अगली बार सुबह उठने में दिक्कत हो कल सुबह, तो ये लाइन अपने माइंड में लेकर आना. ये प्रभुपाद ने बोला. You know how Prabhupada wrote Krishna book? Have I told? How Prabhupada wrote? So much of description, so much of intricacies. पूरा गोवर्धन लीला का, इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था, कौन से फ्रेंड ने क्या बोला. इतना डीप डिस्क्रिप्शन हर एक चीज का कहीं नहीं लिखा हुआ. भागवतम में भी है बट इतना ज्यादा तो नहीं जितना कृष्णा बुक में. वेल एक्सप्लेन. तो वन फॉरेन डिवोटी आस्क्ड प्रभुपाद दैट हाउ हैव यू रिटन दिस, इट्स नॉट डिस्क्राइब्ड. प्रभुपाद सेड कृष्णा वॉज शोइंग इट टू मी. I was seeing and I was writing. What is going on? Is that powerful personality? You should understand. So when he is writing, one's real self-interest lies in Vishnu, means it lies in Vishnu for sure. But what do we feel? My real self-interest is in my sense gratification. Nonsense it is. The real self-interest is in आवाज नहीं आ रही है. द रियल सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु. कल सुबह अगर उठने में दिक्कत हो, ये लाइन दिमाग में चलनी शुरू हो जानी चाहिए. फटाफट उठ के तैयार होकर यू शुड बी देयर इन द मंगल आरती. अंडरस्टैंड. सो 1.28 से लेके 1.30 तक अर्जुन ने पहला कारण दिया युद्ध ना लड़ने का, और पहला कारण था बॉडीली कंपैशन. Then 1.31 से लेके 1.35 तक अर्जुन ने दूसरा रीजन दिया, टू नॉट टू फाइट. फोर सींग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री. क्या मतलब है इसका? पहले वो कह रहे हैं ये मेरे स्वदृष्टवे नाम स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम मुखम च सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशिष्यति. पहले तो कह रहे हैं इतना मेरे को इनके ऊपर दया आ रहा है, मेरे अपने लोग हैं. फिर क्या कह रहे हैं दूसरा कारण? कह रहे हैं क्या फायदा होगा अगर हम जीत भी गए, क्या फायदा होगा? दूसरा कारण हम भी बोलते ना, जीत भी गए तो भी क्या हो जाएगा, सब तो मर जाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे ऐसे किंगडम को जो कि ब्लड से टेंटेड है? किसको दिखाएंगे हम अपना ऐश्वर्य? सब तो मर जाएंगे. किसी के पास ऐश्वर्य, किसी को एक बहुत बड़ा बंगला दे दो, उसमें उसको अकेला छोड़ दो, तेरे पास इतना धन है देख तो खुश रहे. विल यू बी एबल टू सर्वाइव? मैन इज अ सोशल एनिमल, ही नीड्स पीपल अराउंड. किसी को बहुत बड़ा बंगलो दे दो, बहुत पैसे दे दो, गोल्ड दे दो, सिल्वर दे दो, पर वो गोल्ड और सिल्वर अगर कोई है ही नहीं जिसको वो दिखा पाए, व्हाट इज द यूज? इज देयर सम यूज? तो अर्जुन यही तो कह रहे हैं, फोर सींग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री.
अगले चैप्टर में भगवान इसका भी जवाब देंगे, पर देखते हैं अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं। 1.31 ना च श्रेयो अनुपस्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। कितनों को संस्कृत पढ़ के मतलब समझ आया, हत्वा हत्या करना, स्वजनम आहवे अपने ही स्वजन्मों का हत्या करके, ना च श्रेयो अनुपस्यामि क्या श्रेय मिलेगा, ये मतलब। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in the battle। मेरा भी आपका टारगेट है, कुछ मुझे आप लोगों को संस्कृत का थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा श्लोकों को रिसाइट करना शुरू करिए घर पे, तो आपको समझ आने लगेगा एक एक वर्ड का क्या मतलब है। ना कांकशे विजयम कृष्णा, ना कांक्षेयम विजयम कृष्णा, आई डो नॉट हैव डिजायर, कांक्षेयम मीन्स डिजायर, आई डो नॉट हैव, ना कांक्षेयम नो डिजायर विजयम कृष्णा ऑफ फाइट ऑफ विनिंग द वॉर, आई डो नॉट हैव दिस डिजायर। ना च राज्यम सुखानि च, ऑफ व्हाट यूज सच अ राज्य एंड किंगडम इज, दिस इज व्हाट अर्जुन इज सेइंग। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे परपट में, विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु, कंडीशन्ड सोल्स आर अट्रैक्टेड बाय बॉडीली रिलेशनशिप्स होपिंग टू बी हैप्पी इन सच सिचुएशंस। In such a blind conception of life, they forget the cause of material happiness. They forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have forgotten the moral codes for a Kshatriya. ये Kshatriya को शोभा नहीं देता क्या, भगवान अगले चैप्टर में बोलेंगे, Kshatriya को ये शोभा नहीं देता कि वो युद्ध भूमि को छोड़ दे। ऐसा lamentation आया अर्जुन को कि जिससे उसको मटेरियल हैप्पीनेस मिलने वाला है, उस मटेरियल हैप्पीनेस का भी वो कॉज को नहीं समझ पा रहा। व्हाट टू टॉक ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जब दिमाग खराब होता है तो हम तो मटेरियल हैप्पीनेस को भी नहीं समझ पाते। यही तो मौका था अर्जुन के पास द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का, बट व्हेन द माइंड इज नॉट गुड, मन इज नॉट गुड, that is what Prabhupada is writing. In such a blind conception, they forget even the cause of material happiness. कि कहाँ से material happiness आएगा ये भी नहीं समझ आता। Next shloka. अब ये काफी बड़ा है, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जा रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं भगवान को, पहला कॉज क्या दिया था अर्जुन ने, भाई आई डोंट वांट टू फाइट, 1.28 to 1.30 कंपैशन, बॉडीली कंपैशन, दूसरा 1.31 to 1.35 व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ विक्ट्री, देखते हैं। ओ गोविंदा ऑफ व्हाट अवेल टू अस आर अ किंगडम हैप्पीनेस और इवन लाइफ इटसेल्फ व्हेन ऑल दोज फॉर होम वी डिजायर, ये बता चुका मैं आपको ऑलरेडी, वही लोग नहीं होंगे जिनके लिए हम ये डिजायर करते, फॉर होम वी डिजायर देम आर नाउ अरेड इन दिस बैटल फील्ड। ओ मधुसूदन व्हेन टीचर्स फादर्स सन्स ग्रैंडफादर्स मैटर्नल अंकल्स फादर इन लॉज ग्रैंडसन ब्रदर इन लॉ एंड ऑल अदर रिलेटिव्स आर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज एंड आर स्टैंडिंग बिफोर मी, why I should kill them even though they might otherwise kill me, मैं मरने को तैयार हूं पर मैं उनको नहीं मार सकता भगवान। Oh maintainer of all living entities, I am prepared to fight with them even, I'm not prepared to fight with them even in the exchange of three worlds, let alone this earth, ये धरती की क्या बात करते हो, मैं तो मुझे तीन लोक भी मिल जाए तभी भी मैं इनके साथ अब लड़ने के लिए तैयार नहीं। What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? हमें क्या pleasure मिलेगा भगवान इस चीज से? भगवान का एक नाम और यूज हो रहा है यहां पर,
गोविंद. उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी प्रभुपाद जी ने, तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता. तो गोविंद मैं मनगढ़ंत कुछ बनाकर तो बोल दूं, पर होगा वो, हो सकता गलत हो. तो मैं किलर ऑफ केशी डीमन तो ठीक है, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू दिस श्लोक, ये नहीं बताया ना. केशव डेफिनेटली मीन्स द किलर ऑफ केश. जैसे हम यहाँ पे रीजंस लिख रहे हैं ना, 1.14 में माधव क्यों बोला ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, 1.15 में ऋषिकेश क्यों बोला है प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, 1.21 में अच्युता क्यों बोला ये पता. पीछे केशव भी आया बट उसमें बस इतना लिखा किलर ऑफ केशी डीमन, बट हाउ इज इट रिलेटेड. तो मैं अभी आई कैन नॉट कनेक्ट दैट व्हेन प्रभुपाद इज नॉट राइटिंग एनीथिंग. नाउ कम्स गोविंदा इन विच श्लोक नंबर 1.3. लेट अस सी, 1.32 में गोविंद बोलने का क्या अर्थ है भगवान को. अर्जुन कह रहे हैं कि हमें क्या खुशी मिलेगी. अर्जुन कह रहे हैं हे भगवान आप तो स्वयं गोविंद हो, आप तो प्लेजर देने वाले हो. गोविंद मींस प्रभुपाद जी बता रहे हैं गोविंद. अर्जुना इज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्णा एज गोविंदा बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर्स फॉर काउ एंड द सेंसेस. ऋषिकेश मतलब ही इज डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड इट इज सेइंग दैट गोविंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ही गिव्स द प्लेजर टू द सेंसेस. हाउ डज कृष्णा गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, दिस इज माय क्वेश्चन. भगवान आपके इंद्रियों को कैसे प्लेजर देंगे, कौन बता सकता. यस, इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा आवर सेंसेस विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड. हमारे सेंसेस अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे. ये मैजिक है, करके देख लो. अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, बट भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे तो अपने वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, करके देख लो. ये तो एक्सपीरियंस वाली बात है. लॉजिकली शायद इररेलेवेंट लगे बट खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल. So basically Arjuna is saying, yaar, you give the pleasure to the senses, your name is Govinda and you are making me suffer. I am your friend, I am your devotee. This is what Arjuna is saying. You are not giving pleasure to my senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. Par kya Bhagwan hamesha ye satisfy, ye sochte ki hamare senses ko kya satisfy karega? Nahin. भगवान हमें उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन खत्म हो एंड द रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट्स, दैट इज सेटिस्फाइंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा सो दैट आवर ओन सेंसेस आर सेटिस्फाइड. जहां रहते हो वहां की बालकनीज देख लो, जहां पे भी रहते हो. यदि शरीर छोड़ते टाइम उसी घर में हुए, उसी बालकनी में क्या आएगा, विष्णु वाहन आएगा. देख लो उस बालकनी को अच्छी तरह, और उसी बालकनी में यमदूत भी आ सकते हैं. अगले 50 साल, 40 साल, 10 साल, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 मिनट, 20 मिनट बाद क्या चाहिए वहां पर, वो डिसाइड कर लो अपनी बालकनी में. भयानक यमदूत या फिर सुंदर सुंदर विष्णु दूत और विष्णु वाहन, we have to decide. Krishna gives the pleasure to our senses when we try to satisfy Krishna. When we only try to satisfy our senses on our own, the satisfaction will be there. I'm telling you in very practical terms. See your balconies where you live. You have to decide what you want, what should land over there. Vishnu Vahan should land or Yamadutas should land. It is up to you. So why this name Govinda is used in 1.32? Krishna wants, Arjun wants Krishna to understand. Govinda means
someone gives, someone who gives pleasure to the senses. So Arjun wants what? Krishna to understand what will please senses of Arjun. This is why Arjun is using the name Govind. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy the senses. He wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of living entities as much as they deserve. Aapko kitna sense pleasure milega? जितना पुराने कर्मों के हिसाब से आप डिजर्व करते हैं. भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसका क्या मतलब है? सच है ये बात. अंदर परमात्मा फॉर्म में विष्णु है, हमारे डिजायर्स को वो सैंक्शन करते हैं. प्रभु जी शराब पीने का इच्छा था, जाकर पी लिया, मतलब भगवान ने तो डिजायर को क्या कर दिया, क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया. सैंक्शनिंग हर डिजायर का नहीं होता. Sanctioning सिर्फ उस डिजायर का होता है जो आप डिजर्व करते हैं. That desire is sanctioned that you deserve as per your past karmas. मेरा डिजायर है एंटीलिया बना दूं यहां पर, क्या अंदर से sanctioning आ रही है? नहीं. क्यों? I don't deserve it as per my past karmas. ये मतलब है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस लाइन का ये मतलब कि everything depends on sanctioning and sanctioning is as per what you deserve. Sanctioning is not as per what you desire. Understand? Some desires are sanctioned, some desires are not sanctioned by Paramatma. If I don't deserve to pick my, if my hand is lying here, I desire to pick it up. But if I don't deserve, the sanction will not come in heart. It will not go in brain. That part of the brain will stop working. I will not be able to pick my hand. It's a very simple karma mimamsa philosophy. You do good, you get good. You do bad, you get bad. But as a devotees, we are not into karma mimamsa. We are into akarma. Externally, the activity may be same, but the consciousness is very different. That we understood while understanding the five basic truths of Bhagavad Gita. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that his relatives and friends will be killed on the battlefield. He will be unable to share his opulence after victory. This is the typical material calculation. What is typical material calculation? Kisko dikhaun, kisko dikhaun, kisko dikhaun, show off. The transcendental life, however, is different. Jo hume jeena hai. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds. Ebar Prabhupada ji se pucha, ek reporter ne. Prabhupada, you say everything is useful. These cars are useful. Aeroplane is useful. Everything is useless. These cars are useless. Aeroplane is useless. Air conditioners are useless. Everything is useless. Then why do you use them?
Prabhupada said to make it useful. What does that mean? Hai to useless. Kyunki sab use kis cheez ke liye kar rahe hain? Sense gratification. Isko useful kaise bana diya? By using it in the service of Krishna. वो कहते बेइज्जती बहुत जबरदस्त करते थे प्रभुपाद जी. कहते बहुत गुस्से में बोला रिपोर्टर ने, यू से एवरीथिंग इज यूजलेस, देन व्हाई आर यू यूजिंग दीज थिंग्स. ही सेड टू मेक देम यूजफुल. वेरी सिंपली, इतनी सिंपली बेइज्जती करते थे किसी की एक सेकंड में. सो द डिवोटी विल एक्सेप्ट ऑपुलेंस, यस, बट फॉर सर्विंग कृष्ण. अर्जुन क्या कह रहा है, मैं ऑपुलेंस किसको दिखाऊंगा? एक्चुअली में ऑपुलेंस भी होना चाहिए, पर किस चीज के लिए? फॉर सर्विंग कृष्ण. मैं आज इतने पैसे कमा रहा हूँ, कल इतने कमाऊंगा, परसों इतने कमाऊंगा, कल BMW, परसों ऑडी, फिर ये, फिर व्हाट इज द यूज? द ऑपुलेंस इफ वी गेट इट बिलोंग्स टू कृष्णा बिकॉज ही इज लक्ष्मीपति. He is the husband of all opulent. And if opulence is used in the service of Krishna, then such an opulence is useful. Otherwise, if opulence is used just for show of matter, such an opulence is useless. Aisa aishwarya bhi kisi kaam ka nahi hai. So we have done two sections. अर्जुन ने क्या क्या, 35वें श्लोक तक हो गया. अब आपका आज का होमवर्क कहां तक है? एक क्लास और लगानी पड़ेगी मैं फर्स्ट चैप्टर पे, एंड वील मूव टू सेकंड चैप्टर. सबको कुछ कुछ भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गया. सो अर्जुन ने कंपैशन दिखाया फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए, और क्या फोर्सी किया कि कोई इंजॉयमेंट ही नहीं है. ये दो रीजन उसने अभी दे दिया, अभी दो और देंगे अर्जुन. ऑलराइट, और फोर्थ रीजन तो बहुत हैवी देंगे. ऑलराइट, so we'll discuss in next two classes. Okay. Any questions? Yes. हाँ, पर वो बहुत describe नहीं किया प्रभुपाद जी ने, तो इसलिए I have also not discussed. और कोई questions? कुछ एग्जाम्पल आप बताओ, कुछ एक्टिविटी आप बताओ. टीचिंग, सो टीचिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड टीचिंग फॉर द प्लेजर ऑफ ओन सेंसेस. है तो दोनों में एक्सटर्नली एक्टिविटी सेम है कि नहीं? एक्टिविटी एक्सटर्नली दोनों सेम है, बट एक तरफ से प्लेजर ऑफ कृष्णा के लिए और एक तरफ से सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. एक मटीरियलिस्ट है, वो भी पढ़ा रहा है, वो पढ़ाएगा, वो पढ़ा के क्या करेगा कि मैं जितने पैसे कमाऊंगा उससे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदूंगा. स्पिरिचुअलिस्ट है, वो पढ़ाएगा, उससे पैसे कमाएगा, कमा के उसको भगवान की सेवा में दे देगा. कॉन्शियसनेस का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए थोड़ी कमा रहा है. If I talk about sex life, that can also be Krishna consciousness. One is sex life for enjoyment. One is sex life for that externally the activity is same. One is sex life for enjoyment. One is sex life for begetting Krishna conscious children. Krishna says in Bhagavad Gita, I am that sex life. I am sex life, Krishna says. But I am that sex life which does not contradict the Vedic injunctions. I am that sex life which does not contradict the four regulative principles. It's not viruddha dharma. I am that sex life which is in line with dharma. Sex life is not bad. But if for sense gratification, it is bad. But if for begetting Krishna conscious children, extreme, the koi extreme example.
सेंस ग्रेटिफिकेशन का, इससे ऊपर का कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन हमें अवेलेबल नहीं है. सो नाउ ईदर ऑफ द टू प्रभुपाद सेज, टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई वॉज हियरिंग वन भगवत वन प्रभुपाद लेक्चर इन भागवतम वेर ही वॉज सेइंग, ही वॉज गिविंग दिस एग्जाम्पल एंड ही वॉज सेइंग टू गेट अ चाइल्ड, टू गेट अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड देर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गर्भोधन संस्कार that the father and the mother should follow and then beget a child. ये जितना मतलब normal सा youth में आजकल है masturbation से इतना common है, ये सब धर्म के विरुद्ध है. This is not Krishna. But the same sex life to beget a Krishna conscious children is dharma aviruddha. It's not viruddha dharma. It's in line with Krishna, so that becomes, even sex becomes Krishna consciousness. Sleeping for sense gratification, extra sleeping, and sleeping 6 hours, so that rest of the time may be utilized properly. I should make some sense to my life. Both the cases, externally activity is the same, but in one case the purpose is sense gratification, other case is using the time for Krishna. In that case, even the 6 hours of sleeping becomes service. Sona bhi seva ban jayegi. You understand? That is Krishna consciousness. Any other question? Would you see, after asking, differences of consciousness, koi bhi kaam agar wo material sense gratification ke liye kar le, to that is wrong, that is useless. And if you are using it in the service of Krishna, then it is useful. Samji, lekin jab hum like we endeavor hard for whatever occupation we are doing, so sometimes aisa hota hai ki hum usme itna zyada engross ho jaate hain kabhi kabhi ki wo since hamara initial goal hota hai ki that we will be using it in Krishna service. But slowly and slowly, sometimes we use it, our minds dictate us that use it for your own sense gratification. ये तो फिर धोखा देना हो गया, धोखा देना हो गया नहीं? क्या कहते हो, भगवान को धोखा देना हो गया कि भगवान को बोलते रहे करेंगे आपके लिए पर फिर करने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लग जाते हैं. इट विल नॉट पैसिफाई द हार्ट, इट विल नॉट सेशिएट, इट विल नॉट गिव सेटिस्फैक्शन. तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है दैट हाउ टू मेंटेन द सेम कॉन्शियसनेस, दिस इज योर क्वेश्चन. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, रीड मोर एंड मोर प्रभुपाद बुक्स. Understand that the body is machine working for some time. Brain is the chip. A chip with the feelings. That's it. If you read more of Prabhupada books, the consciousness will be maintained. You know, early morning, what should we do? This is the policy I try to follow. As soon as I wake up, the first thing I do is 20-25 minutes reading. Because it maintains the consciousness. As far as possible, I try this. It maintains the consciousness throughout the day. We should try it out. You'll get your answers in daily reading for 20-25 minutes early morning. Utho, regulated life. Utho, 20-25 minute reading karo. Chanting, then something else. अदरवाइज कॉन्शियसनेस देखो ऐसे कीड़े गंदी नाली के जैसा कॉन्शियसनेस लेके पूरे दिन घूमते हैं. उठ सुबह उठ के सब क्या करते हैं, घर साफ करते हैं ना, करते कि नहीं करते? हमें भी सुबह उठ के सबसे पहले इसको साफ करना चाहिए. सबसे पहले तो दिमाग साफ करो सुबह उठते, जो इतना पिछले दिन का कूड़ा इकट्ठा किया हुआ सो ब्रश करो. साउथ इंडिया में मैं जब रहता था बैंगलोर में, तो मैं देखता था वहाँ पे एक ट्रेंड था, सब सुबह सुबह अपने बाहर जो वेड़ा होता है, जो आंगन होता है, उसको धोते हैं, फिर वहां पे व्हाइट कलर के चूने से रंगोली बनाते हैं, ठीक है, टू मेक इट एज अ ऑस्पिशियस मार्क.
हमें भी ये करना चाहिए, सुबह उठते ही सबसे पहले रीडिंग से अपने कूड़े को धोना चाहिए, एक बार हटाना चाहिए उस कूड़े, फिर चैंटिंग से उसको सजाना चाहिए। ऑलराइट, अर्ली मॉर्निंग, आप देखो आप 20 मिनट्स रीडिंग करो उठते उठते, चैंटिंग कितनी अच्छी होगी उसकी, चैंटिंग बहुत अच्छी होगी। 6 आवर्स से ज़्यादा प्रभु मत सो, ऑलरेडी 1/4 लाइफ तो सोने में है ही है, 25%, कोई खास फर्क नहीं है सोने मरने। 8 सो रहे हो तो 1/3 है, 12 सो रहे हो तो आधी लाइफ है मरने जैसी। नो वन शुड स्लीप मोर देन 6 आवर्स अ डे ओनली। नहीं प्रभु जी हमसे नहीं होता है, हमसे तो नींद आती रहती है। गर्म पानी पियो, टेक आउट सम मटेरियल सॉल्यूशंस टू देम, और चीज़ों के लिए भी तो मटेरियल सॉल्यूशंस निकालते, इसके लिए क्यों नहीं निकाल रहे मटेरियल सॉल्यूशंस? नींद आती है, मैं तो क्या करता हूँ, मैं गर्म पानी रखता हूँ, थोड़ा सिप 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 पीता रहता हूँ, ठीक रहता। प्योर काओ मिल्क, दैट इज द सॉल्यूशन, बट दैट शुड बी प्योर देसी गाय का दूध, वो रात को जरूर लो, दैट विल ब्रिंग गुडनेस, दैट विल हेल्प यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग। जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का, दैट इज द रियल काओ। ये तो हाइब्रिड काउज होती है दूसरी, तो दिस इज अनदर प्रैक्टिकल सोल्यूशन। टेक आउट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द स्लीपिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड? Any other question? Compassion जो थी अर्जुन की वो ऑडियो लेवल पे थी, तो हम इन आर टर्मिंग को कैसे डिटरमाइन करें कि अगर उसके प्रति कंपैशन है तो वो सोल पे, वो सोल लेवल पे हो, तो कैसे उसमें? देखिए बॉडीली लेवल पे कंपैशन होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब उसमें कुछ पाप नहीं है, मतलब ठीक है गरीब को देख रहे हो दया तो आती है देख के, है ना, कुछ दे दो खाने के लिए, बट सोल की तरफ कंपैशन क्या? अगर देना ही है तो फिर प्रसाद दे दो, उससे भी तो उसका पेट भरेगा, यू अंडरस्टैंड? डॉग्स को कुछ खाने के लिए देना, कहीं को डॉग्स को, डॉग्स का बहुत ज़्यादा होता है, अब देना ही है तो कुछ भगवान को भोग लगा के दे दो, अगली बार वो कुत्ता तो नहीं बनेगा। दिस इज ठीक है, वी हैव कंपैशन टुवर्ड्स बॉडी, but we should convert it towards, we should take it towards Krishna consciousness. Everything can be dovetailed to Krishna. Sab kuch dovetail kiya ja sakta hai Bhagwan ki taraf. Ab wo hume dekhna hum kitna dimag lagate hain. Kuch bhi aisa nahi hai duniya mein jo dovetail nahi kiya ja sakta. Samajh gaye? Any other question? Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की। 5 मिनट कीर्तन करें या क्लोज करें? कीर्तन 5 मिनट्स करते हैं, करताल देना। एंड विल वी मीट टुमारो मॉर्निंग एट 4:25 मृदंग। कोई जल्दी में तो जा भी सकते हैं, कोई चाहो चाहो सो जाना टाइम पे, ठीक है? गौरव सुबह आना है, ट्राई टू वेयर वैष्णव ड्रेस एज फार एज पॉसिबल, 1 day a week। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Jai Ram, Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Thank you.
श्रीमद् भगवद्गीता की श्री हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की हरे कृष्ण। सब सो जाओ बेटा। 420